आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो और नेटवर्किंग में आगे बढ़ सकते हो बेटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए। बिकॉज इट इज सेड दैट नेटवर्क इज नेटवर्थ, बट मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क विद द राइट पीपल इज द नेटवर्थ। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसे लोगों का नेटवर्क है जो बिल्कुल कमिटेड नहीं है, बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं है और बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है आपके लिए, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज अ नेटवर्थ, एक्चुअली दैट इज अ लायबिलिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप नेटवर्किंग में बेटर बन सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में थ्राइव कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज मेक इट अबाउट देम। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल है। आप जब भी किसी से मिल रहे हैं, आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, हमेशा इंश्योर कीजिए कि आप उनकी ज्यादा सुने या उनसे ज्यादा बात करें, ना कि आप अपने अंदर रहें और अपने अंदर की जो भी अपने बेनिफिशियल चीजें लगती हैं वो आप सामने वाले को बताएं। बिकॉज जैसे ही आप ये करने लगते हैं, सामने वाला सेंस कर सकता है कि आप सारा अपना बेनिफिट देख रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शन जो आप करना चाहते हैं ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। सो व्हेनेवर यू आर नेटवर्किंग, मेक श्योर उसको ऐसा बनाएं ताकि सामने वाले को उससे वैल्यू मिले। वो सोचें कि यस, ये बंदा जेन्युइनली मुझसे रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सेकेंड चीज, जब भी आप किसी से नेटवर्किंग कर रहे हैं, इवेंट्स के अंदर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से, एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप उन लोगों को नहीं सुन रहे जिनसे आप बात कर रहे हैं, आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, दे विल नॉट पे यू अटेंशन। एंड इमीडिएटली जब आप किसी की बात को ध्यान नहीं देते, एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं, दे विल ऑब्जर्व। सेकेंडली, अगर आप उनकी बात को अच्छे से सुनते हैं, लोग वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये बंदा मेरा को कितना अच्छे से सुन रहा है। और जितना अच्छे से आप सुन रहे हैं, उसका मतलब उन्हें लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइनली मुझ में इंटरेस्टेड है। एंड दैट्स वेयर यू स्टैंड आउट। और कैसे आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं? जेन्युइनली उनकी बातों को सुनिए और जहां पे भी आपको लगता है आप उनको वैल्यू ऐड कीजिए उनके कॉन्वर्जेशंस में। थर्ड चीज जो आप कर सकते हैं नेटवर्किंग बिल्ड करने के लिए, अच्छे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाइए। वो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या कोई ऐसा इवेंट हो जो मे बी आपको लगता है कि आज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी 5 years डाउन द लाइन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, उसके रिलेटेड अगर कोई इवेंट है, वहाँ पे जाइए और लोगों से मिलिए। तो जितने नए लोगों से आप मिलोगे और नई जगह पे जाके काम करोगे, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है और नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं एक स्ट्रांग प्रोफेशनल रिलेशनशिप के लिए। ये हमने बात कर रहे थे अभी तक फिजिकल इवेंट्स की, बट उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से सोशल मीडिया को भी आप नेटवर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। और बहुत तरीके होते हैं सोशल मीडिया में, तो आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, दूसरों के कंटेंट पे एंगेज कर सकते हैं बाय कमेंटिंग and putting a valuable comment. Then you can actually go ahead and chat with people via direct message. But again, you need to know how to approach other people so that you stand out, your request gets accepted and लोग आपको कंसिडर करें फॉर नेटवर्किंग। ऑलवेज रिमेंबर, आप चाहे सोशल मीडिया से उनको रीच आउट कर रहे हैं, चाहे फिजिकल इवेंट्स में, ऑलवेज मेक इट अबाउट देम, नॉट अबाउट यू। नेक्स्ट तरीका है ऑफर वैल्यू एंड बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम फॉर अदर पीपल। सो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इवेंट है, सोशल मीडिया कंटेंट है, या फिर कोई भी एक प्रोफेशनल आप हैं, मान लीजिए आपके 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, बट देयर इज समबडी हु हैज ओनली 2 years एक्सपीरियंस और मे बी दे आर जस्ट स्टार्टिंग द करियर, गिव देम द एडवाइस, बिकम अ सॉल्यूशन पर्सन। क्योंकि आज हो सकता है वो कुछ भी नहीं हो, बट 10 साल के बाद मे बी दे हैव बिकम बिग, मे बी दे हैव डन समथिंग। एंड अगेन आप उनको हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कि 10 साल बाद वो मेरे काम आएगा, इसके लिए कि एवरीबडी नीड्स हेल्प एट सर्टेन स्टेज। एंड अगर आप उस पोजीशन में हैं कि आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, वैल्यूएबल साउंड होंगे दूसरे लोगों की नज़र में, उतने आपके नेटवर्क बेहतर होंगे और लोग आपको यूजफुल समझेंगे, दे विल आस्क यू फॉर द एडवाइस। और यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है किस तरह से हम राइट पीपल के साथ नेटवर्क बनाते हैं हमारा। अगला तरीका हो सकता है कि आप कुछ कोलैबोरेशन कीजिए। तो मान लीजिए आप 2 लोग हैं, नेटवर्किंग इज गुड, आप बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट क्या उस चीज को हम कोलैबोरेशन में बदल सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उसके लिए भी विन हो और मेरे लिए भी विन हो? और बहुत बार ऐसा होता है कि सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, तो दे आर डूइंग पार्ट ए ऑफ सर्विस, आई एम डूइंग पार्ट बी ऑफ सर्विस। क्या हम एक ही क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं दोनों मिलके एज कोलैबोरेशन? वो बहुत बेनिफिशियल होगा। सो ये नेटवर्किंग आपका बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी बदलने लगेगी। एंड दिस विल लीड टू, यू डोंट नो, ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मे बी ए न्यू वेंचर, मे बी ए न्यू पार्टनरशिप। ये सारी चीजें चालू होती है एक छोटे छोटे स्टेप से, जो हम इस तरह से स्टेप्स लेने पे कर पाते हैं। नेक्स्ट सीजन की बात करेंगे किस तरह से आप बेहतर बन सकते हैं अपनी नेटवर्किंग स्किल्स के अंदर। आप वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो पहले मैंने बताया इवेंट्स अटेंड कीजिए, बट सेकेंडली बहुत सारे आजकल वर्कशॉप्स होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के हो गए या फिर और भी कोई एरिया के अंदर। अब वो वेबिनार, वर्कशॉप, सेमिनार सभी अटेंड कीजिए। और वहां पे आपको जो लोग मिलेंगे, हो सकता है वो आपके प्रोफेशनल वाले नहीं हो, आपके कॉमर्स बैकग्राउंड अगर आप आते हैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो, आप साइंस से आते हो साइंस वाले नहीं हो, बट ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, बहुत सारे अलग प्रोफेशन में हैं, अलग रोल में हैं, अलग एस्पिरेशंस हैं। और जब उन लोगों से आप मिलेंगे, अगेन यू विल स्टार्ट टू बिल्ड अ गुड नेटवर्क, नॉट विद इन द प्रोफेशन बट आउटसाइड द प्रोफेशन ऑल्सो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको नहीं पता अगले 5 साल बाद आप, हो सकता है जो आज काम कर रहे हो वो ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मी, जब मैं पहले काम कर रहा था टैक्स डिपार्टमेंट में, बट आज मैं वो कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जब इवेंट्स में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, इंश्योर कि आप हमेशा नेटवर्क बनाएं राइट लोगों से। लास्ट टिप जो मैं शेयर करना चाहूंगा इज टू ड्रेस वेल। आप जब भी कोई इवेंट पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे हो सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट हाउ विल आई स्टैंड आउट। मैं किस तरह से अच्छे से तैयार होके जाऊं ताकि लोग मुझसे बात करना भी चाहें आके, और कुछ प्रोफेशनल रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाना चाहें। बिकॉज फर्स्ट थिंग जो लोग आपसे बात करने से भी पहले देखेंगे, हाउ यू आर ड्रेस्ड। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली डजंट मैटर, पीपल नोटिस इट। आपको चाहे बोले या ना बोले, बट अगर कोई एक बंदा बहुत शैबी स्टाइल में है, नॉट रियली प्रिपेयर्ड, जस्ट वो उठ के आ गए हैं, क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे नेटवर्किंग में? नहीं। तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं नेटवर्किंग पे, इवन योर वर्चुअल जूम मीटिंग, मेक श्योर यू आर प्रेजेंटेबल, यू लुक गुड। एंड अगर आप ब्लेजर वगैरह भी पहन सकते हैं, दैट विल बी अ बैंग ऑन, बिकॉज ब्लेजर आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से नेटवर्किंग में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से कुछ नेटवर्किंग मिस्टेक्स होती हैं जो मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखता हूं, एंड यू नीड टू अवॉइड दोस मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू रियली बिल्ड सॉलिड नेटवर्किंग कनेक्शंस। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे चाहते हैं कि कोई और स्पेसिफिक वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं बनाऊं, उसमें लेट मी नो, बिकॉज आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, because I'm on this mission to enable professionals to build a thriving career, and if you help me to do that, that will be an amazing part of it. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye bye.